चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं और अगला टॉपिक मेरा वही रहेगा जो अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन था। और क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कि और टाइप का क्वेश्चन कैसा रहता है, ठीक है। बस आज अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन आज लास्ट रहेगा और सारे टाइप जो अल्टरनेट डेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा टाइप आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आज जितना क्लास में अल्टरनेट डेज का प्रॉब्लम बताएंगे बस उतने से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ डिजिट को चेंज करेगा एग्जामिनर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बस आप लोग कॉन्सेप्ट इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने का, बस इतना ही जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन जाए ताकि एक भी वीडियो आप लोग को छूट ना सके, ठीक है। तो चलिए मेरा रेड बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आप सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए टाइम एंड वर्क, चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कहता है कि इंद्र और चंद्र अकेले 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 एक काम को बीस तथा 80 दिनों में समाप्त करता है। 80 दिनों में समाप्त करता है। इंद्र जो है काम को शुरू करता है, इंद्र काम शुरू करता है। काम को कौन शुरू करता है? इंद्र काम शुरू करता है। 3 दिन काम करता है, कितना दिन? इंद्र 3 दिन काम करता है और वह 5 दिन छुट्टी में चला जाता है। 5 दिन छुट्टी में चला जाता है। छुट्टी में चला जाता है जिसके दौरान चंद्र जो है काम को जारी रखता है। जिसके दौरान चंद्र काम को जारी रखता है, जारी रखता है, काम को जारी रखता है, कार्य पूरा होने तक या कर्म जारी रहता है, कार्य जो है पूरा होने तक यह प्रक्रिया जारी रहता है, यह प्रक्रिया जारी रहता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? दिनों में पूरा होगा। चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ भी लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है।
चलिए क्वेश्चन को आप लोग, हमको लगता है कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। बोलता है इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 20 तथा 80 दिन में, इंद्र को आई से हम डिनोट कर रहे हैं, ये 20 दिन में काम को पूरा करता है, और चंद्र को हमने सी से डिनोट किया, ये 80 दिन में काम करता है। तो इन लोगों का टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम टोटल वर्क 80। अब एक दिन का इन लोग एफिशियंसी निकालते हैं कि इंद्र जो है एक दिन में कितना काम करता है, तो 20 चौका 80, एक दिन का काम इसका 4 है, और चंद्र का एक दिन का काम 1 है, तो एक दिन का काम दोनों मिलकर के 5 यूनिट है। अब आगे देखिए क्या होता है। इंद्र काम शुरू करता है, काम को कौन स्टार्ट करता है, इंद्र। वह 3 दिन तक काम करता है, इंद्र जो है 3 दिन तक काम करता है, तो एक दिन का काम इंद्र का 4 यूनिट है, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा इसका, टोटल हो जाएगा 4 × 3 12 यूनिट, है कि नहीं। अब देखिए आगे, इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है, और वह 5 दिन छुट्टी में चला जाता है। अब जो 5 दिन उसके बाद छुट्टी में चला जाता है, वो 5 दिन कौन काम करता है, चंद्र। तो चंद्र का एक दिन काम कितना है, 1 यूनिट, तो 5 दिन में इसका कितना यूनिट हो जाएगा, 1 × 5 = 5 यूनिट। कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 दिन यहां और 5 दिन यहां, 8 दिन में इस ये टोटल काम कितना कर रहा है, 12 × 5 = 17 यूनिट। तो 8 डेज में 17 यूनिट का काम हो रहा है, तो अब इसी प्रक्रिया बार बार होते रहेगा। अब ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा नंबर यहां से टोटल वर्क को हम गुना करेंगे ताकि टोटल वर्क का पूरा पूरी भागा लग जाए या तो उससे कम हो, तो हम 17 × 5 से गुना करते तो 85, जो कि 80 से पार हो जाता है, इसलिए हम इससे कम लेंगे, तो 17 × 4 = 68। यहां हम 4 से गुना करेंगे, और डे में भी तो 4 से गुना करेंगे, तो 8 × 32 डेज, ठीक, और 17 × 68 यूनिट। अभी 17 यूनिट तक काम हो गया है 32 डेज में। अब ध्यान दीजिए टोटल वर्क मेरा 80 यूनिट है, यहां पे 68 यूनिट तक 32 दिनों में काम पूरा हो गया, तो बचा कितना, 12 यूनिट। अब 12 यूनिट कौन काम करेगा, आएगा कौन, इंद्र आएगा, क्योंकि यहां तक चंद्र और इंद्र तक बार बार दोहरा करके इतना दिन तक काम हुआ, ठीक है, जोड़े लगा करके। तो अब हमें अगला कौन काम में आएगा, तो इंद्र आएगा, तो इंद्र का एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट। तो बताइए ये 3 दिन तक काम करेगा, क्योंकि शुरू में 3 दिन तक काम करेगा, तो 3 दिन तक ये काम करेगा, तो 4 दिया 12 यूनिट, तो यहां पे 12 यूनिट और जोड़ देंगे, और यहां पे 3 दिन और काम कर रहा है चंद्र इंद्र, तो 32 × 3 = 35, कोई दिक्कत। तो 35 डेज में 80 यूनिट काम पूरा हो जाएगा, यानी काम कितना दिनों पूरा हो जाएगा, 35 डेज में काम पूरा हो जाएगा, यही इसका आंसर, ठीक है। आप एक बार और अगर डॉट होगा तो एक बार और समझ लीजिएगा। देखिए शुरू के 3 दिन काम करते कौन, इंद्र, तो एक दिन का काम इंद्र का 4 यूनिट है, तो 3 दिन का काम 12 यूनिट हुआ। अब 5 दिन ये छुट्टी में चला जाता है, और वो जो 5 दिन छुट्टी चला जाता है उसमें से चंद्र 5 दिन काम करता है, तो एक दिन का चंद्र का काम है 1 यूनिट, तो 5 दिन काम करेगा तो 5 यूनिट। अब ध्यान दीजिए ये दोनों को हम जोड़ दिए, तो 8 डेज में कितना, 8 डेज, 8 डेज में ये भी तो जोड़ेंगे, तो 4 × 12 = 5 = 17 यूनिट 8 डेज में। तो इसी प्रकार अगर हम दो जोड़ा मिला करके इसको एक साथ दोनों मिला दिए, तो 8 डेज में 17 यूनिट, तो कै डेज में 68 यूनिट होगा, तो 17 × 68 8 × 32 32 डेज में 68 यूनिट। अब ये दोनों का काम पूरा हो जा रहा था, अब अगला दिन जो आएगा वो इसके साथ, ये तो चंद्र तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो सब एक साथ पूरा करके 68 यूनिट कंप्लीट कर लिया, तो अगला बार कौन आएगा, क्योंकि हम बताए थे कि एक बार ये काम करता था एक बार वो, तो अगला टर्म किसका, ए का, इंद्र का, तो इंद्र जो है मेरा 3 दिन तक काम करेगा, तो एक दिन का काम इसका कितना है, 4 यूनिट, तो 4 × 12, तो जो कि यहां पे पूरा फुलफिल हो जा रहा है 80 यूनिट का, तो पूरा काम कितना दिन में होगा, 35 डेज में। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। लैंग्वेज को पकड़िए, कोई दम नहीं है क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 12 दिनों में, ए जो है 12 दिनों में एक काम को, 12 दिनों में एक काम को, एक काम को करता है और बी उसी काम को, बी उसी काम को, बी उसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, 14 दिनों में कर सकता है, कितना दिनों में, 14 दिनों में कर सकता है यदि वे वैकल्पिक, वैकल्पिक यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, दिनों में काम करते हैं और ए इस कार्य को, और ए इस कार्य को शुरू करता है, तो काम पूरे दिन कितने दिनों में एक साथ काम पूरा होगा, कितने दिनों में एक साथ काम पूरा होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, यह क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए 12 दिन में एक काम को करता है। सिर्फ क्वेश्चन को आप लैंग्वेज पकड़िएगा, लैंग्वेज ही क्वेश्चन को खेल करता है, ठीक है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ नहीं है, सिर्फ वैकल्पिक जहां पे डाल दिया, लोग उसमें उलझ जाते हैं और घबरा जाते हैं कि वैकल्पिक क्या है। वैकल्पिक का मतलब होता है कि वही अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ छोड़ करके, ठीक है। ए 12 दिन में एक काम को करता है और बी उसी काम को 14 दिन में करता है। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और ए इस कार्य को शुरू करता है, काम कौन शुरू करता है, एक आज शुरू करता है, इस कार्य को शुरू करता है, तो कितने दिनों में एक साथ काम पूरा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा, ए जो है किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 14 दिन, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, 12 और 14, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12 और बरसते 84, तो बरसते 84 और 4 × 6 = 84, ठीक है। अब एक दिन का काम ए का 7 यूनिट और बी एक दिन का काम 6 यूनिट है। अब आगे क्या बोलता है, यदि वे वैकल्पिक दिनों में एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और इस कार्य को शुरू करता है, तो कितने दिनों में यह काम सब पूरा होगा। अब ध्यान दीजिए कि ये 713, 13 यूनिट जो मेरा आया वो कितना दिन का आया, के लिए आया, 2 डेज के लिए, क्योंकि वैकल्पिक दिन एक दिन ये काम करता है, एक दिन ये, तो पहला दिन 7 यूनिट काम किया ए और दूसरा दिन 6 यूनिट का काम कर किया बी, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 13 यूनिट। तो ऐसा कौन सा नंबर इस पे गुना करेंगे जो मेरे पूरे काम का नजदीक पूरे पूरे लग जाए या तो उसका पहले हो, तो 13 × 26 = 33 = 34 = 75 = 76 = 78, ठीक है, 63 = 78, तो 13 × 6
तो 63 78 और डे में भी तो गुना कर लेंगे 6 से, तो 12 डेज में मेरा कितना आया 78 यूनिट, मेरा टोटल कितना है 64 84 यूनिट। अब जो है ए और बी के साथ इतना काम हुआ, अब ए बी के साथ काम हुआ तो अगला दिन कौन काम करेगा, ए ए स्टार्ट ए को काम करेगा क्योंकि ये जोड़े के साथ हमने इतना लाया 78 यूनिट। अब बचा कौन, अगला ए को काम करेगा, तो ए मेरा कितना यूनिट काम करेगा 7 यूनिट, तो 78 और 7 कितना हो जाता है, 78 और 7 हो जाएगा 85 जो कि होता है 84। तब हम क्या करेंगे कि जितना 12 डेज जो है मेरा यहाँ पे 12 प्लस क्या लिखेंगे, जितना मेरा काम बचा कितना बचा, मेरा काम बचा 6 यूनिट, तो 6/7 ठीक है, क्योंकि 7 से भागा देंगे एक बराबर इसका का, तो कितना जाएगा बरसते 84 और 6 90 90/7 डिज, इतना दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, जहां भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर एक रिक्वेस्ट आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिले और आप लोगों के लिए कुछ मदद कर सके, और मोटिवेट मिलने के बाद हम कुछ नए नए टेक्नोलॉजी और कुछ नए नए तरीके से और मेहनत कर सके और आप लोगों को हम अच्छे तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करा सके और बता सके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए ठीक है, नीचे रेड बटन का आइकन दिया होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 37 दिनों में कितना, ए 37 दिनों में काम करता है और बी उसी को 39 दिनों में करता है, कितना 39 दिनों, ठीक है। यदि वह वैकल्पिक दिनों में काम करते और ए इस कार्य को शुरू करता तो कितने दिन में 7 होगा। अब एक ध्यान दें, क्वेश्चन वही है, सिर्फ डिजिट को हमने क्या किया है, चेंज किया है, बस यही खेल होता है। सिर्फ टाइप आपका यही रहेगा, जितना मैंने टाइप बताया उससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा लेकिन सिर्फ डिजिट को चेंज कर रखा था, हमने डिजिट चेंज करके आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए जो है कितना दिन में 37 और बी कितना दिन में 39, और ये दोनों का एलसीएम। अब बताइए 37 और 39 का कोई एलसीएम है किसी ने, तो दोनों को गुना करेंगे एक दूसरे को, तो 37 और 39 को गुना कीजिए, 9 7 63 हाथ में 6 9 3 27 और 6 33, 3 9 27 और 3 3 9 और 2 11 1523, कितना आया 1523। ये हो जाएगा आपका 39 यूनिट एक दिन का और ये 37 यूनिट एक दिन का, कोई दिक्कत है। अब दोनों एक दिन का मिलकर 9 7 16, 3 3 6 76 यूनिट एक दिन का काम है। अब ऐसा कौन सा डिजिट है जो, ये कितना मेरा आया 2 डेज में मेरा आया 2 दिन काम मिलकर 76 यूनिट होता है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके साथ हम गुना करेंगे जो पूरा पूरी कट जाएगा, तो बताइए। बताइए छिहत्तर को 21 से गुना करिए, तो 6 7 2 6 12 2 7 14 1 15 1596, वहां पे है कितना 1523, तो 76 को 19 से गुना कीजिए भाई, 9 6 54 हाथ में 5 9 7 63 और 5 68 1 6 1 7 4 8 6 14
713 1444 और 76 को 20 से। चलिए ठीक है, हम इसको क्या करेंगे कि यहां हम 20 से इधर भी गुना करते हैं और इधर भी 20 से, तो 40 डेज और इधर मेरा हो जाएगा सुनना 6 × 12 1520 यूनिट। 40 दिनों में 1520 यूनिट होता है, मेरा कितना है टोटल 23 यूनिट, 1523 यूनिट। तो क्या होगा कि 40 प्लस 40 डेज जो पूरा हो गया, इसको कौन करेगा, 3 यूनिट जो बचा है इसको काम करेगा ये, तो 3/39, तो 40 पूर्णांक 3/39 डेज में ये काम क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, बस सिर्फ डिजिट को हमने चेंज किया, क्वेश्चन वही है। ठीक है, चलिए बस अल्टरनेट डेज प्रॉब्लम से इतना ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इससे आप लोगों का एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। सिर्फ डिजिट को चेंज करेगा और सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ना है, इससे बाहर जितना टाइप बताए इससे अल्टरनेट आपको कभी नहीं जाएगा। आता तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा है, हमें जो एग्जाम में पूछा जाता है उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, ना कि हमें पहाड़ पहाड़ जैसा क्वेश्चन को पढ़ के हम फंसे, वैसा नहीं करना है। जहां तक पूछा जाए उससे थोड़ा सा लेवल ज्यादा करना है, बस उतना लेवल हमने बता दिया, उससे ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बस अब एक क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था कि सर ये सब वाला टाइप वाला क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं एक क्वेश्चन को बता देता हूँ जो पार्ट वन पार्ट टू का टाइप का क्वेश्चन था, उसका टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो हम एक क्वेश्चन को बता देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिएगा, लेकिन हमने बताया, बोले थे कि आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, मैं एक लास्ट में दो जो क्लास लूंगा वो मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, उससे जितने सारे क्वेश्चन अगर छूटा होगा तो उसमें सब मिक्स हो जाएगा और सारा टाइप उसमें जुड़ के बताया जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन पूछे तो उसके हम एक क्वेश्चन को बता देते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, सारा टाइप क्वेश्चन आप लोग पकड़वाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिर्फ विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए, लगन से पढ़िए और ईमानदारी से मेहनत करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, ए बी एवं सी किसी काम को कर्मशा 12 पूर्णांक 1/2 दिन, 6 पूर्णांक 1/4 दिन एवं 7 पूर्णांक 1/7 दिनों दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करें। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन का पूछने का बच्चा का यही था मकसद कि जो क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जो बटे में भिन्न में दिया हुआ है, इसी के कारण पूर्णांक में जो दिया हुआ, इसी के कारण उसको क्वेश्चन में डाउट लग रहा था और उसको भारी लग रहा था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन बोलता है ए बी एवं सी किसी काम को कर्मशः 12 पूर्णांक 1/2 दिन और बी 6 पूर्णांक 1/4 दिन और सी 7 पूर्णांक 1/7 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन को देखिए,
किसी काम को 12 पूर्णांक 2 बटे, 12 पूर्णांक 2 बटे 1/2 है, तो इसको हम फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 दिन, और बी 6 पूर्णांक 1/4, 6 6 24 और 1 25, 25/4 दिन, और सी 7 पूर्णांक 1/7, 7 7 49 और 1 50/7। इतना दिनों में ये लोग काम को समाप्त कर रहा है। तो तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो टोटल वर्क आएगा। तो एलसीएम इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो ऊपर वाले के साथ ही एलसीएम निकाले, तो 25 25 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, 50। अब इसका एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या करते थे कि इससे भागा देते थे, तो 25 को भागा देंगे 50, तो 2, तो जो 2 आया 2 को हम 2 से नीचे वाला से फिर गुना करेंगे, तो जो जो मेरा 2 आया इसको 2 से गुना करेंगे तो 4। इसका एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट, और बी का 25 से भागा देंगे 50 को तो 2, और नीचे 4 से गुना करेंगे 2 चौक 8, एक दिन का काम 8 यूनिट, इससे भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 से 7 गुना करेंगे तो इसका 7। तो ए बी और सी एक दिन का इसका एफिशिएंसी निकल गया, एक दिन में इन लोगों ने कितना काम करने की क्षमता है, तो एक दिन में ए का काम करने की क्षमता 4 यूनिट है, और बी का 8 यूनिट और सी का 7 यूनिट है। अब बोलता है तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों, तो तीनों मिलकर के एक दिन का काम कितना इसका है, तो 8 4 12 और 7 19, तीनों मिलकर एक दिन का काम 19 यूनिट है। तो बताइए पूरा 50 यूनिट को इस लोग कितना देने, तो 50/19, तो इसको किए 19 दूना 38, तो 2 पूर्णांक 12/19 डेज में, 2 पूर्णांक 12/19 डेज में ये काम को तीनों मिल करके पूरा करेंगे। तो फ्रैक्शन से आप लोग डरिए नहीं, बस मेथड को जान लीजिए, यही इसका मेथड है कि ये दोनों का ऊपर वाले से साथ इसका एलसीएम निकालेंगे जिसका टोटल वर्क निकलेगा, और जब एक दिन का इसका इफिशियंसी निकालेंगे कि एक दिन में वो कितना यूनिट काम करता है, तो ऊपर वाले से पहले भागा देते हैं जो पहले से किया करते थे, जितना आता है उसको नीचे वाला से गुना कर देंगे, बस यही दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्लास को लेके आएंगे, उसके बाद हम कुछ नए टॉपिक और कुछ अलग जो मेथड है, अलग टाइप का क्वेश्चन आता है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नया टॉपिक को। तो अल्टरनेट डेज बस यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले हम लोगों आप लोग से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिले, ठीक है। चलिए तो यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं, चलिए बाय, टेक केयर।